हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं मगराज बिल स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने चैनल मैकेनिकल मगराज में। दोस्तों, आज एक कमेंट आया था, सर मैं आपको एक थ्रेड चार्ट की इमेज व्हाट्सएप पर सेंड कर रहा हूं, उस चार्ट को समझाएं। ये कमेंट भेजने वाले हैं पाउन फेस इलेक्ट्रिकल्स एंड इंजीनियरिंग, उनका खुद का नाम है प्रणय। और प्रणय भैया को तो मैंने ये चार्ट समझा दिया, पर और भी बहुत से दोस्त हैं जिनको थ्रेड चार्ट समझना है या जिनको अभी पता नहीं है थ्रेड चार्ट कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं उसको, तो ये वीडियो उनके लिए खास होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, चार्ट में सबसे ऊपर लिखा है थ्रेडिंग चार्ट फॉर सेमी नॉर्टन लेथ मशीन 2 TPI। 2 TPI का अर्थ है 1 इंच में 2 चूड़ी। जो लेथ मशीन का लीड स्क्रू है उसकी जो चूड़ी है वो 1 इंच में 2 चूड़ी है, 2 TPI का वो लीड स्क्रू है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, सेमी नॉर्टन का क्या मतलब है? तो मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ मार्केट में जो छोटे छोटे वर्कशॉप हैं, उन वर्कशॉप में 3 टाइप की लेथ मशीनें हमें देखने को मिलती है। पहली जो लेथ मशीन होती है वो नॉर्टन, दूसरी टाइप की होती है वो सेमी नॉर्टन, और तीसरी टाइप की जो लेथ मशीन होती है वो फुल नॉर्टन होती है। तो नॉर्टन मशीन में क्या होता है कि हमें जो भी चूड़ी निकालनी होती है, जो भी थ्रेड हमें निकालनी होती है, उसका हमें पहले गियर, जो पीछे गियर होते हैं वो हर चूड़ी में गियर अलग से सेट होते हैं। मतलब जो भी हमें 10 चूड़ी निकालनी है तो उसका गियर अलग होगा, 12 चूड़ी निकालनी है तो उसका गियर अलग होगा, 15 चूड़ी निकालनी है तो उसका गियर अलग हमें वापस उसमें हर थ्रेड में हमें गियर चेंज करना पड़ता है। और सेमी लेथ मशीन में एक बार हम गियर सेट करेंगे तो उसमें 3 टाइप की थ्रेड अपन निकाल सकते हैं। एक बार अगर पीछे गियर सेट कर दिया तो उसमें 3 टाइप की चूड़ियां हम निकाल सकते हैं। फुल नॉर्थन लेथ मशीनों में एक गियर बॉक्स फिट होता है और उस पर एक चार्ट लगा होता है जिसमें बहुत सारी थ्रेड के, जैसे ये चार्ट है उसमें भी बहुत सारी चूड़ियों का चार्ट होता है। उसमें अपने को कुछ नहीं करना होता है, जो भी चूड़ी निकालनी है हम उसमें आराम से निकाल देंगे, सिर्फ एक बार गियर चेंज करेंगे। जैसे इंचेज की चूड़ी निकालनी है तो एक बार हम इंचेज के गियर लगा लेंगे और जितनी भी टाइप की चूड़ी है वो सारी चूड़ियाँ उसमें निकल जाएगी, सारी थ्रेड उसमें निकल जाएगी। और जब हमें MM की थ्रेड निकालनी होती है मीट्रिक की, तो हमें मीट्रिक के गियर लगाने होते हैं और मीट्रिक की जितनी भी टाइप की थ्रेड होती है वो सारी उसमें आराम से निकल जाती है। तो ये होता है नॉर्टन, फुल नॉर्टन और सेमी नॉर्टन में फ़र्क। तो आइए समझते हैं अभी ये चार्ट। अब इस चार्ट में सेकंड लाइन है विटवर्थ थ्रेड और मीट्रिक थ्रेड। विटवर्थ का मतलब होता है TPI, थ्रेड पर इंच। अब यहाँ पर जितनी भी ये थ्रेड है वो पर इंच में है और मीट्रिक में जो भी थ्रेड है वो MM में है। अब इस तीसरे लाइन में लिखा है गियर थ्रेड पर इंच, गियर MM पिच। अब यहाँ पर स्टड पिन स्क्रू ACB यह चीज़ समझने वाली है। तो इसके लिए पहले हम मशीन के पीछे वाला हिस्सा देखते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे ऊपर है जिस पर एरो ब्लिंक कर रहा है वो स्टड है, और बीच में जो ये बड़ा गियर है यह पिन गियर है, और नीचे जो सबसे नीचे वाला जो बड़ा गियर है ये स्क्रू गियर है। हमने स्टड पिन और स्क्रू को समझ लिया है, अब समझते हैं AC और B को। लेथ मशीन के फ्रंट साइड में ये दो लीवर हैं, इसमें जो पहला लीवर है जिस पर एरो ब्लिंक कर रहा है ये ABC लीवर है। इसमें जब ये सेंटर में रहेगा तो ये C में रहेगा, लेफ्ट साइड में होगा तो A में हो जाएगा, और राइट साइड में जब होगा तो ये B में होगा, ठीक है। अब ये दूसरे वाला लीवर है जिस पर एरो ब्लिंक कर रहा है, ये जब लेफ्ट साइड में रहेगा तो स्क्रू, जो लीड स्क्रू है वो चलेगा, और जब ये राइट साइड में हो जाएगा तो ये फीड रॉड चलेगी, ठीक है। स्टड पिन और स्क्रू हमने समझ लिया। अब जो स्टड है उसमें लगेगा 20 का गियर, पिन है उसमें लगेगा 115 का गियर, और स्क्रू है उसमें लगेगा 40 का गियर। और जब ये तीनों गियर लगेंगे तो इसमें 3 टाइप की थ्रेड निकलेगी। जब वो हमारा लीवर A में रहेगा तो 2 चूड़ी निकलेगी, जब C में रहेगा
तो 8 चूड़ी निकलेगी, और जब बी में रहेगा तो 4 चूड़ी निकलेगी। ठीक है, इसी तरह आगे नीचे देखते हैं, 20, 115 और 50 का गेयर लगाएंगे तो इसमें हमारे निकलेगा 2.5 चूड़ी निकलेगा ए में, और सी में निकलेगा 10 चूड़ी, और बी में निकलेगा 5 चूड़ी। इसी तरह से ये सारा नीचे का पूरा चार्ट है। अब समझते हैं मीट्रिक थ्रेड, एमएम थ्रेड समझते हैं। इसमें भी है स्टड, पिन और स्क्रू। स्टड में है 20 और पिन में यहाँ पर डबल दिया हुआ है 110 और 55। अब यहाँ पर हमको डबल डबल गियर लगाने पड़ेंगे, 20 के नीचे लगाना पड़ेगा 110 का, 110 के आगे हमें लगाना है 55 का, और 55 के नीचे लगेगा स्क्रू में लगेगा 127 का, तब हमारे ये निकलेगी ए में 2 mm की चूड़ी, और सी में 0.5 की चूड़ी, और बी में 1 mm की चूड़ी निकलेगी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और समझ लेते हैं। स्टड में लगेगा 35 का गियर, पिन में लगेगा 90 का गियर, स्क्रू में लगेगा 127 का गियर, तब हमारे ए लीवर में निकलेगी 7 mm की चूड़ी, 7 mm की चूड़ी, और सी में निकलेगी 1.75 की चूड़ी, 1.75 mm की चूड़ी, और बी में निकलेगी 3.5 mm, 3.5 mm की चूड़ी निकलेगी। ठीक है दोस्तों, आज हमने सेमी नॉर्टन लेथ मशीन के चार्ट को समझा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर नया वीडियो पहुँच सके सबसे पहले आपके पास। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।